एथिकल हैकिंग फ्री में सीखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन पर। वेब वल्नरेबिलिटीज कैसे काम करती हैं, एथिकल हैकिंग, वेब पेन टेस्टिंग की प्रैक्टिस कहाँ करें, अपनी स्किल्स को कैसे इंप्रूव करें, अब चाहे कोई टीचर हो या स्टूडेंट, एथिकल हैकिंग, बग हंटिंग, वेब डेवलपमेंट सबके लिए जरूरी है एक ऐसा प्लेटफॉर्म, एक ऐसा एनवायरमेंट या वेबसाइट या सर्वर जहाँ ये सब स्किल्स टेस्ट की जा सकें। तो आज के इस वीडियो में हम डैम वल्नरेबल वेब ऐप को काले लिनक्स में सेटअप करना देखेंगे। हेलो दोस्तों, मैं हूं अनिल और आप देख रहे हैं टेकचिप यूट्यूब चैनल। तो आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें हमने वीब ऐप को काले लिनक्स में सेटअप करना देखा था। तो आज के इस वीडियो में हम DVWA का सेटअप अपने लोकल होस्ट पर करेंगे। DVWA मतलब डैम वल्नरेबल वेब ऐप। ये एक PHP MySQL बेस्ड वेब एप्लीकेशन है जिसमें कई कॉमन वेब वल्नरेबिलिटीज, वेब बग्स मौजूद हैं। तो इस तरह के सर्वर्स जो लोग वेब पेनटेस्टिंग, बग हंटिंग, एथिकल हैकिंग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत उपयोगी हैं। इससे आपको पता चलेगा कि वल्नरेबिलिटीज कैसे काम करती हैं, कैसे वल्नरेबिलिटीज के द्वारा वेबसाइट हैक हो सकती हैं। तो ये सब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे आने वाले वीडियोज़ में इसकी काफ़ी ज़रूरत पड़ेगी, जैसे कि SQL इंजेक्शन, XSS, क्लिक जैकिंग, CSRF जैसी वल्नरेबिलिटीज कैसे काम करती हैं। तो चलिए देखते हैं हम DVWA का सेटअप काले लिनक्स के अंदर कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए। तो गूगल पे मैं DVWA सर्च करूंगा। मैंने टाइप किया DVWA। ये देखिए आपको यहाँ पर स्टार्टिंग में ही लिंक मिल जाएगी, DVWA.co.uk। आप इसको ओपन कर लीजिए। वैसे मैंने इसकी लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, आप वहाँ जाकर भी इसको ओपन कर सकते हैं। ये देखिए ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आपको उसकी डाउनलोड की लिंक मिल जाएगी। मैंने क्लिक किया डाउनलोड पर और मैं इस फाइल को अपने सिस्टम में सेव कर लेता हूँ। काफ़ी छोटी सी फाइल है तो ज़्यादा टाइम इसमें लगेगा नहीं। ये देखिए ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अभी मैं ब्राउजर कर देता हूँ मिनिमाइज। अब मैं ओपन करता हूँ टर्मिनल। ये टर्मिनल ओपन हो गया तो मैं डाउनलोड फोल्डर के अंदर आ जाता हूँ। मैंने कमांड लगाया CD डाउनलोड। ये देखिए यहाँ पर ये फाइल डाउनलोड हो चुकी है, DVWA master.zip। तो सबसे पहले मैं इसको अपने अपाचे वेब फोल्डर के अंदर अनजिप कर लेता हूँ। कमांड लगाएंगे unzip -d, हमारे अपाचे वेब फोल्डर का पाथ, इसके बाद हमारी जिप फाइल का नाम DVWA master.zip। ये देखिए ये सारी फाइल्स हमारे अपाचे वेब फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हो चुकी हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, मैं अपने अपाचे वेब फोल्डर में आ जाता हूँ तो मैंने कमांड लगाया CD और हमारे वेब फोल्डर का पाथ। ये देखिए यहाँ पर आपको एक फोल्डर मिल जाएगा DVWA master नाम से। तो चलिए इंस्टॉल करने से पहले हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं। तो मैं अपने फाइल मैनेजर में ये फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं इस फोल्डर का रीनेम कर देता हूँ जिससे कि हमें इसको खोलने में आसानी हो। मैंने इसका नाम दे दिया DVWA। इसको ओपन करेंगे, इसमें जाएंगे कॉन्फ़िग फोल्डर में और यहाँ पर हमें इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल मिल जाएगी। यहाँ पर हम MySQL डेटाबेस के लिए कनेक्शन सेटिंग्स कर सकते हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। सेम वही है जैसे हमने पिछली बार किया था। ये देखिए यहाँ पर DB सर्वर, हमारा लोकल होस्ट, डाटाबेस का नाम DVWA, MySQL यूज़र, रूट और जो भी आपका पासवर्ड है वो आप पासवर्ड टाइप कर दीजिए। यदि पासवर्ड ब्लैंक है तो आप यहाँ पर इसको खाली छोड़ दीजिए। ये देखिए यहाँ पर मैंने अपनी MySQL की सेटिंग कॉन्फ़िगर कर दी। तो मैं इस फाइल को सेव करके बंद कर देता हूँ और इसके बाद हमें इस फाइल का रीनेम करना होगा। तो लास्ट में जो DIST लिखा हुआ है हम इसको रिमूव कर देंगे। इस फाइल का एक्सटेंशन .php होना चाहिए तो मैंने इसका रीनेम कर दिया। यहाँ पर हमारी कॉन्फ़िगरेशन कम्प्लीट हो चुकी है। बाकी मैं इस फोल्डर की परमिशन भी चेंज कर देता हूँ। तो मैंने कमांड लगाया chmod -r777 और हमारे फोल्डर का नाम DVWA। यहाँ पर मैंने इसको फुल परमिशन दे दी। इसके बाद मैं ज़रूरी सर्विसेज को स्टार्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमारा अपाचे वेब सर्वर स्टार्ट हो जाएगा। MySQL भी मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने कमांड लगाया सर्विस MySQL स्टार्ट। ये देखिए यहाँ पर MySQL सर्विस भी स्टार्ट हो जाएगी। ये हमारी दोनों सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी हैं। अब हम DVWA को इंस्टॉल करेंगे। तो अपना ब्राउजर ओपन कर लीजिए और यहाँ पर ओपन कीजिए लोकल होस्ट DVWA, एंटर दबा दीजिए। तो यहाँ पर इसका ऑटोमेटिक सेटअप पेज खुल जाएगा। ये देखिए तो यहाँ पर आपके जो भी इनेबल डिसेबल हैं सभी की डिटेल आ जाएगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर डाटाबेस क्रिएट करना होगा। तो नीचे बटन पर क्लिक कर दीजिए क्रिएट या रीसेट डाटाबेस पर। तो आपके MySQL के अंदर DVWA नाम से डाटाबेस बन जाएगा। ये देखिए यहाँ पर डाटाबेस बन चुका है। तो ये ऑटोमेटिक ही लॉगिन पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएगा। ये देखिए हम लॉगिन पेज पर आ चुके हैं। यहाँ पर सेटअप कम्प्लीट हो चुका है। यूजर नेम में डालेंगे हम एडमिन और इसका पासवर्ड है पासवर्ड। मैं कर देता हूँ इसको लॉगिन। ये देखिए हम यहाँ पर अब लॉगिन हो चुके हैं। हमारा डैम वल्नरेबल वेब एप्लीकेशन यहाँ पर रेडी है। अब हम यहाँ पर कोई भी टेस्ट कर सकते हैं। आप यहाँ पर कोई भी सेटिंग्स को चेंज भी कर सकते हैं। जो भी आपको चेंजेस करने हैं वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं, सारी डिटेल जान सकते हैं।
सेटअप के अंदर जाकर आप देख सकते हैं कि आपको क्या क्या सेटअप करना है, वो सारी चीज़ आप यहाँ पर देख सकते हैं। अपना सिक्योरिटी लेवल भी आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं कि आपको इस वेब सर्वर की सिक्योरिटी कितनी रखनी है, तो आप जो भी रखना चाहते हैं आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने सेलेक्ट कर लिया लो और मैंने क्लिक किया सबमिट पर, ये देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी लेवल अभी लो हो चुका है। आप यहाँ पर और भी सेटिंग्स को डाल सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर कैप्चा मिसिंग है तो आप यहाँ पर अपनी कैप्चा की भी डाल सकते हैं। इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए, यहाँ से अपने आप कैप्चा की जनरेट कर सकते हैं और उसको आप कॉन्फिग वाली फाइल में सेट कर सकते हैं। जहाँ पर हमने माई स्कूल की सेटिंग की थी वहीं आप इस कैप्चा की को डाल सकते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, मैंने इस फाइल को वापस ओपन किया, यहाँ आप अपनी कैप्चा की को एंटर कर सकते हैं और उसको कॉन्फिगर कर सकते हैं। तो आप इस तरह से DVWA का सेटअप कर सकते हैं और उसको यूज़ में ले सकते हैं। इसमें भी आपको कई तरह के वेब वल्नरेबिलिटीज़ मिल जाएंगी, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। मैं गया कमांड इंजेक्शन पर और यहाँ पर मैंने टाइप किया TechChip.net और क्लिक किया सबमिट पर, और यहाँ पर हमारा कमांड एग्जीक्यूट हो चुका है। यहाँ पर ऑटोमेटिक ही पिंग का रिजल्ट शो हो गया। तो हम आने वाले वीडियोस में DVWA और वीवेब का यूज़ देखेंगे कि कैसे वल्नरेबिलिटीज़ काम करती हैं, उनको कैसे फिक्स किया जा सकता है और उनसे कैसे वेबसाइट हैक हो सकती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ, क्योंकि दोस्तों आपको यहाँ पर एथिकल हैकिंग के बारे में, वाइट हैट हैकिंग की टेक्निक्स और साइबर सिक्योरिटी से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती रहती हैं, वो भी हिंदी में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे हम अगले वीडियो में। दिखते रहिए टेक चिप, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।